आपका भी यही सवाल है कि आपके बेबी कॉर्न क्रिस्पी नहीं बनते या फिर हार्ड हो जाते हैं, तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आई हूँ, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका बेबी कॉर्न सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों बनेगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेबी कॉर्न बनाने के लिए मैंने 8-10 बेबी कॉर्न्स ले लिए हैं। मैंने इन्हें अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं इन्हें कट करूँगी। तो यहाँ आता है टिप्स नंबर फर्स्ट। ज़्यादातर लोग बेबी कॉर्न को 2 पीसेस में कट कर देते हैं, इससे बेबी कॉर्न काफ़ी मोटा हो जाता है और अंदर कच्चा रह जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है, जैसे मैंने कट किया है। तो अब मैं इन्हें बॉयल कर लूँगी। तो बॉयल करने के लिए मैंने एक सॉस पैन में बेबी कॉर्न डाल दिया है और उसमें 2 ग्लास पानी भी ऐड कर दिया है, और बेबी कॉर्न जल्दी पक जाए इसके लिए मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड किया है। तो अब मैं इसे 20 से 25 मिनट ढक के पकाऊंगी। तो जब तक बेबी कॉर्न बॉयल हो रहा है, हम अपने सॉसेस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल में 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, 1 चम्मच विनेगर लिया है, 2 चम्मच रेड चिली सॉस लिया है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया है, आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस स्किप कर सकते हैं, 2 चम्मच सेवन चटनी लिया है और 3 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है, आप चाहें तो टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, उसका एक घोल रेडी कर लेंगे। तो अब मैंने एक दूसरा बोल ले लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 3 से 4 चम्मच पानी ऐड किया है और इसका भी एक पतला घोल रेडी कर लिया है। अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और इसे बारीक कट करके डाला है। अब इन्हें का ब्राउन हो जाएगा तो मैं 2 मीडियम साइज प्याज को कट करके डालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें लेयर्स में कट किया है और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अब मैंने आधी शिमला मिर्च को ट्रायंगल शेप में कट करके डाला है, ये देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, इतना ही फ्राई करना है कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। तो अब देख सकते हैं सब्जियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें अपने सॉसेस ऐड करूँगी और इसके साथ ही मैंने जो कॉर्नफ्लोर का घोल रेडी किया था उसे भी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करूँगी और जैसे ही सॉसेस में उबाल आएंगे मैं इसमें 1 पिंच फूड कलर ऐड करूँगी, ये टोटली ऑप्शनल है। और एकदम लास्ट में मैं थोड़े से स्प्रिंग अनियंस भी ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं ग्लॉसी सॉसेस बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं बेबी कॉर्न को फ्राई करूँगी। तो मैंने एक बोल में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 4 चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं बेबी कॉर्न को पेस्ट में डिप करूँगी और स्पून की हेल्प से डायरेक्टली कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ आता है हमारा टिप्स नंबर सेकेंड कि आपके बेबी कॉर्न क्रिस्पी क्यों नहीं होते। तो इसका रीज़न ये है कि आप बेबी कॉर्न्स को एक बार में ही गोल्डन फ्राई करके रख लेते हैं, बिल्कुल फुल फ्राई कर लेते हैं और वो जैसे जैसे ठंडा होता है वो सॉफ्ट होता जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक बार हाफ फ्राई करना है, फिर सारे बेबी कॉर्न को एक साथ फुल फ्राई करना है और साथ में हमें अपने सॉसेस को भी रेडी रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉर्न्स हाफ फ्राई हो चुका है और मैंने अपने सॉसेस को भी रेडी करके रखा है। अब मैं सारे कॉर्न्स को एक साथ गोल्डन ब्राउन होने तक फुल फ्राई करूंगी। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और फटाफट से इसे सॉसेस में मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। अब मैं इसे सॉसेस में मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपने पहले से सॉसेस रेडी करके रखा था तो उसे एक बार गर्म कर लीजिए। आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, कितना लजीज दिख रहा है। तो मैं फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ वरना ये ठंडा हो जाएगा। सो
सो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बेबी कॉर्न की रेसिपी आप लोगों को? आप सब भी इस ट्रिक से एक बार क्रिस्पी बेबी कॉर्न ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप लोगों का क्रिस्पी बेबी कॉर्न भी क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगा। तो फटाफट से जाइए क्रिस्पी बेबी कॉर्न ट्राई करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए घर पर रहिए और क्रिस्पी बेबी कॉर्न का मज़ा लीजिए।